हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सेहरी शनाई यूएस इंस्टीट्यूट। आज मैं आपको इस वीडियो में इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगी। मैं आपको सारे फॉर्मेट भी बताऊंगी कहाँ पे क्या फिल करना होता है। यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं वीडियो में, रोल नंबर फिल करना होता है, आपका जो एनरोलमेंट नंबर होगा, ये जो है कोड होता है जो आपको आंसर शीट में लिखना होता है। यहाँ पर जो डे और डेट होगा वो लिखनी होगी आपको। बाकी के जो नीचे के दो ब्लॉक्स दे रखे हैं उसमें जो आपके यहाँ टीचर होगा, जो एग्ज़ाम के टाइम पर टीचर होगा वो साइन करेगा वहाँ पर, उसमें आपको कुछ नहीं करना है। बस आप अपना एनरोलमेंट नंबर लिख लीजिएगा और अपना डेट और डे लिख लीजिएगा, क्वेश्चन पेपर में इतना ही काम है। उसके बाद जो है आपको आपकी आंसर शीट जब मिलेगी तो उसमें आपको अपनी सारी इन्फॉर्मेशन, इंट्रोडक्शन देना होगा, सारी चीज़ें फिल करनी होगी। थोड़ी डिफरेंट टाइप की होती है, लेकिन वहाँ पे अगर आपको डाउट होगा तो जो टीचर होगा वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। उसमें आपको मतलब नाम वाम फिल करने का स्टाइल थोड़ा अलग होता है, उसमें पूरे बहुत सारे अल्फ़ाबेट्स दे रखे होते हैं, उसको जो है आपको सर्कल करके डार्क पेन से जो है पूरा अपना वो जो नाम का अल्फ़ाबेट है वो पूरा जो है डार्क कलर से डार्क पेन से जो पूरा ब्लॉक फिल करना होता है। इस तरह से मतलब डिफरेंट तरीका होता है उसको अपना नाम वाम लिखने का। बाकी उसमें आपका फादर नेम और मदर नेम पूछा जाएगा, सिग्नेचर होगा, जहाँ जहाँ टीचर सिग्नेचर करवाएंगे वो कर लीजिएगा आप लोग। उसके बाद जो है आपको आंसर शुरू कर देना है। उससे पहले जो आप लोग अपना सारा क्वेश्चन पेपर आराम से पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। अगर आप लोग कूल डाउन हो के पहली बार जो होता है वो थोड़ा हेजिटेट होता है, पहली बार जो उसका फर्स्ट टाइम होता है एग्जाम आना, ये उसका थोड़ा उसको नर्वसनेस होती है, लेकिन इतना कोई टेंशन वाली बात नहीं है। वहाँ पर जो आपके टीचर होंगे एग्ज़ाम टाइम पर वो आपको हेल्प करेंगे, आप उनसे हेल्प ले सकते हैं, कुछ भी डाउट हो तो आप कन्फ्यूजन जो है अपना क्लियर कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि जब आप लोग अपने अपना एग्ज़ाम देने जाते हैं जो भी सब्जेक्ट का होता है, तो आपको अपने साथ दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो कि आपको लेके जानी होती है। वो एक तो है हॉल टिकट, जो कि आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। आपका जब हॉल टिकट आ जाएगा ऑनलाइन तो आप NIUS की साइट पर जाकर सर्च कर सकते हैं और वहाँ पे आपका हॉल टिकट आपको मिलेगा, लेकिन आपको उसकी हार्ड कॉपी लेके जानी होगी, ना कि फ़ोन में। फ़ोन अलाउ नहीं होता है, फ़ोन वो लोग रखवा लेते हैं या फिर लेने नहीं, मतलब ले जाने नहीं देते हैं, इतना पता है कि अंदर एग्ज़ाम हॉल में ऑब्वियसली एग्ज़ाम चल रहा है तो फ़ोन ले जाना अलाउ नहीं होता। तो आप अपना फ़ोन में तो फोटो लेके जा नहीं सकते, कोई फ़ायदा नहीं है। तो हॉल टिकट की आपको फ़ोटो कॉपी निकलवानी पड़ेगी, हार्ड कॉपी लेके जानी पड़ेगी हॉल टिकट की, उसी से एंट्री मिलती है। दूसरा है कि आपके पास अपना कोई आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, आईडी कार्ड होना चाहिए। तो NIUS का अगर कार्ड है आपके पास तब तो कोई बात नहीं, आप वो लेके जाइएगा, लेकिन इनकेस काफ़ी बच्चों के पास नहीं होता है, तो आपको जो है अपना आधार कार्ड लेके जाना होगा, वो आपका आईडी कार्ड ऐसा माना जाएगा। और वैसे तो आप अगर चाहो तो NIUS का कार्ड बना सकते हो, वो ज़्यादा बेटर होता है, लेकिन इनकेस अगर आपके पास नहीं है तो आधार कार्ड भी काम कर सकता है वहाँ पर NIUS के कार्ड की जगह पर। तक आंसर शीट की बात है तो उसमें आपको सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे। कोशिश करिएगा कोई भी क्वेश्चन आप लोग मिस ना करें, सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करें, सारे क्वेश्चन करना है आपको। किसी भी तरह ज़रा सा भी आता हो तो आपको ये नहीं कि छोड़ दो, पूरा नहीं आता, थोड़ा बहुत भी आता है तो आप उसमें लिख दो, अपनी पूरी तैयारी करके जाइए आप वहाँ पर। और जो किसी की मतलब राइटिंग थोड़ी ख़राब है तो कोशिश करना कि राइटिंग थोड़ी नीट एंड क्लीन लिखने की कोशिश करें, कि अल्फ़ाबेट थोड़ा क्लियर लिखें, क्योंकि कई बार ये NIUS में ऐसा होता है कि राइटिंग की वजह से मार्क्स कट जाता है। क्यों? क्योंकि अगर आपने अगर सही आंसर लिखा है, आपको पता है आपने सही आंसर लिखा है, लेकिन जो एग्ज़ामिनर जो चेक करेगा उसको आपकी राइटिंग समझ में नहीं आती है तो वो कट कर देता है। वो होता क्या है, मार्क्स कट जाता है आपका, कोई फ़ायदा नहीं होता। अगर आपने सही लिखा है तब भी कट जाता है मार्क्स, तो राइटिंग का बहुत फोकस करिएगा आप लोग, राइटिंग का ध्यान रखिएगा। राइटिंग मतलब कोशिश करिएगा नीट एंड क्लीन, एकदम एक एक अल्फ़ाबेट जो आप लोग साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन लिखिएगा, ताकि मतलब एग्जामिनर को चेक करने में प्रॉब्लम ना हो। और बाकी मैं आपको बताना भूल गई, जो आपके एग्जाम क्वेश्चन पेपर होगा तो उसमें जो है फ्रंट पेज में और नेक्स्ट पेज में जो है आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों में इंट्रोडक्शन दे रखा होगा, मतलब जनरल इंस्ट्रक्शंस दे रखे होंगे। उसमें अगर आपको कुछ डाउट हो तो वो आप पढ़ लेते हैं तो उससे काफ़ी हेल्प मिल जाती है। तो अगर आपको पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हैं, उसमें देख लीजिएगा आप लोग पढ़ के, अगर समझ में आ जाए, इंग्लिश जिनको आती है इंग्लिश में पढ़ लें, अगर हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी में भी ट्रांसलेट होकर लिखा रहता है, तो आप उसमें से भी पढ़ सकते हैं, हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। और बाकी सारे क्वेश्चन पेपर ऐसे ही आते हैं, बस हिंदी का छोड़ के हिंदी में टोटल हिंदी लिखी होती है, बस बाकी जो और क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, चाहे इंग्लिश हो, कंप्यूटर साइंस हो, या जितने भी इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन पेपर होंगे, वो सारे जो हैं उसके सारे एक एक क्वेश्चन जो हैं बाद में हिंदी में भी ट्रांसलेट होते हैं। कि मतलब जैसे एक क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन नंबर 1 कुछ भी क्वेश्चन लिखा है, उसके नीचे फिर वही प्रश्न एक करके फिर उसको ट्रांसलेट करके लिखा गया होगा, तो आपको उसको उसमें भी काफ़ी सारी हेल्प मिल जाती है काफ़ी बच्चों को, कि अगर इंग्लिश में उनको नहीं समझ में आ रहा तो हिंदी में ट्रांसलेट होकर लिखा रहता है, समझ में आ जाता है कि इसमें क्या पूछा गया है, किस क्वेश्चन में एग्जैक्टली। और बाकी आपको NIUS से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैंने भी 3 साल NIUS से पढ़ाई करी तो आई कैन हेल्प यू। और बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।